गोवर्धन और गौ संवर्धन का महापर्व है और ऐसे समय में जब हम कोरोना की महामारी से बाहर निकले और 2020 के दीपावली का हमारा पहला गोवर्धन पूजा के माध्यम से अब हम सब सामान्य स्थिति में आ गए हैं और गोवर्धन पूजा का मूल जो भाव है और अर्थ है वो एक ही समझ में आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गौ संवर्धन का महायज्ञ किया था। और इस महायज्ञ को यदि हम इस रूप में लें कि गौमेद यज्ञ होना चाहिए, तो युग ऋषि लिखते हैं कि गौमेद यज्ञ का मतलब होता है गायों का संवर्धन हो और संपोषण हो और उत्पादन मतलब पंच गव्य की औषधियां बने, साथ ही गोचर भूमि का संरक्षण हो, साथ ही उन्नत नस्ल के गौ वंश का पालन पोषण और उन्नत नस्ल के नंदियों का नंदीशाला गांव गांव बने जिससे कि गांव की गौ माताएं हमारी सुरक्षित हो और कृत्रिम गर्भाधान से बचे। ये जो आप देख रहे हैं ये गायत्री धाम की सारी भारतीय गौवंश है गिर नस्ल के, और इन गायों का हम लोगों की दिनचर्या में प्रातः 4 बजे से रात के 9 बजे तक पूर्ण वैज्ञानिक आधार पर इनका हम पंचगव्य संग्रहित करते हैं, 44 प्रकार के उत्पाद बनाते हैं और ऋषि कृषि करते हैं। इधर आप देख रहे हैं इन प्राकृतिक चारा उत्पादन करते हैं और गर्मी के दिनों में तो नीम की पत्ती, अंजन की पत्ती, पीपल की पत्ती पर हम गौ माताओं का पालन कर लेते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि गौ माता को गोठान पद्धति से और ऐसे पेड़ों का रोपण करें हम लोग खाली जगहों पर, जिससे कि गोवर्धन पूजा का एक सार्थक अर्थ समाज के अंदर स्थापित हो। 2 बात कहेंगे हम किसान भाइयों से, कृषि के साथ में गौ पालन या पशुपालन एक पूरक व्यवसाय भी है जिससे कि आपको खाद तो मिलेगा ही लेकिन इसके माध्यम से आप उत्तम कोटि का घी दूध तैयार कर सकेंगे। शायद आप ये जानकर आश्चर्य करेंगे कि यदि आम जनता अपने को यदि स्वस्थ रखना चाहती है तो पंचगव्य एक महा औषधि है जो हमारी कामधेनु गौ माताएं देती है। आप देख रहे हैं इनकी रीढ़ का हड्डी पे सूर्य केतु नाड़ी और इनके चारों चरणों के अंदर धर्म अर्थ काम और मोक्ष समाया हुआ है। मतलब आप जिस मार्ग से भी देखना चाहें गाय माता हर विधि कल्याण ही कल्याण करने वाली है। पूरे देशवासियों को अखिल विश्व गायत्री परिवार गायत्री धाम सेंधवा से गोवर्धन पूजा दीपावली का और गोपाष्टमी का भाव भरा आशीर्वाद, हमारी कामधेनु गौ माताओं का। ओम शांति शांति शांति।